ये सभी छात्रों का हुजूम है और इसका जो लाइन है यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा पीछे तक इसी का लाइन है। सभी छात्र यहाँ पे हैं, आज सड़क पर उतरे हुए हैं। देख भाई, हमने कुशन कहल चाहो सबसे पहले यह कहा कि हमने जो सिलेबस हो भाई खोरठा के जैसे सीजल के लिए समरूप कर दी भाई। देखिए सबसे पहले हम इस चीज बुनना चाहते हैं, कैबिनेट में 12 मंत्री बैठते हैं, 12 के सही फॉर्चूनर दिया ना, एक कलर एक रंग के दिया ना, सबको आवास दिया है कि नहीं, तो इसी तरह नौ जनजाति भाषा है ना, वो जनजाति भाषा में समरूप आपको देना पड़ेगा ना। देखिए झारखंड सरकार क्या करेगी, झारखंड सरकार के नीचे जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है वो गड़बड़िया करते जा। अभी हम हजारीबाग के बाबूगांव चौक पर हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सड़क है इसमें आप देखेंगे ये छात्रों का हुजूम यहाँ से जा रहा है और इसमें लिखा हुआ है JSSC सीजल परीक्षा में खोरठा भाषा को विरहित जो किया गया है उसको छोटा किया जाए और इन सभी छात्रों का जो सिलेबस है उसे छोटा करके अन्य जो भाषा है उसके अनुरूप किया जाए, जैसा अन्य जो ये है उसके अनुसार किया जाना है। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे, क्या करना चाहते हैं आप लोग, मांग क्या है आप लोग का? मांग हम लोग को कुछ नहीं, मांग सिर्फ यही है कि काम किया जाए। खोरठा जो सिलेबस रखा गया है वो अन्य भाषाओं के तुलना में बहुत ज्यादा है और हम लोग यही नहीं कहते कि छोटा के ये अन्य भाषा के तुलना में समरूप करने के मांग कर रहे हैं, बस यही है। हम लोग ऐसा नहीं कि एक रेस में हाथी दौड़ रहा है और एक रेस में घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फ्री दौड़ रहा है और कोई वजन लेके दौड़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा। समरूप का मांग है तो सभी भाषाओं को समरूप किया जाए, यही हम जैसे मांग। वैसे कहा गया आप देखे होंगे भारत का जो संविधान है उसमें भी समानता का अधिकार है, लेकिन झारखंड में भाषा को लेकर के कोई समानता नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या कहिएगा आप? हम यही कहना चाहते हैं, हम खोरठा भाषा खोरठा सिलेबस को कम नहीं करने बोल रहे, हम बोल रहे अन्य जो सिलेबस है उसके समान किया जाए। मेरा मांग यही है कि अन्य जो सिलेबस अन्य जो भाषाई सिलेबस है उसके समरूप किया जाए। समरूप करने का मांग सभी का है, जैसा कि आप देखेंगे ये सभी छात्रों का हुजूम है और इसका जो लाइन है यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा पीछे तक इसी का लाइन है। सभी छात्र यहाँ पे हैं, आज सड़क पर उतरे हुए हैं, बस सभी के हाथों में आप देखेंगे तो JSSC जो सीजियर है उसके सिलेबस में खोरठा को कम किया जाए, खोरठा का जो सिलेबस है उसको कम किया जाए, इसी को लेकर के ये सभी यहाँ पे उतरे हुए हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या कहिएगा आप? हम लोग का सिलेबस पहले बड़ा था, फिर उसको मांग किया गया, छोटा किया गया, फिर से बड़ा कर दिया गया, उसी के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो भारतीय संविधान में सभी को समानता दिया गया है लेकिन झारखंड में भाषा को लेकर के किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, इस विषय पर क्या कहिएगा? देख भाई, हमने कुशन कहल चाहो सबसे पहले यह कहा कि हमने जो सिलेबस हो भाई खोरठा के जैसे सीजल के लिए समरूप कर दी भाई, आज ये टोटल लोग जनजाति भाषा और क्षेत्रीय भाषा मिला करके वो सब सबके मिला के जे ओ से समरूप कर देना हो हर भाषा के लेकर के, ताकि हमने के भी कोई प्रकार की दिक्कत ना रहे। अब मान ले भाई, कोनो रेस में कोनो घोड़ा दौड़े भी तो एगो के 5 मिनट पहले थोड़ी छोड़ देवी भाई, तब कि हम पता चलते कि ओकर में की ताकत है ना, ऐसे ओकर खातिर की करे हो तो कि बराबर सेम पोजिशन से सेम टाइमिंग से दौड़ावे हो, तो यह हमने मांग करो ये सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से और जैसे कार्मिक विभाग से कि प्लीज हम लोग को बात को सुनिए और जो खोरठा सिलेबस को जो इतना बड़ा कर दिया गया है इन भाषाओं के तुलना में उसे बराबर कीजिए, ताकि हम लोग भी रेस में वाकई में हम लोग आ सके, पता चल सके कि कौन घोड़ा विनर है, हम लोगों को इस तरह से जबरदस्ती किसी भी प्लानिंग के तहत दबाने का प्रयास ना किया जाए, यही हम आग्रह करेंगे JSSC से और सरकार से। अलग अलग भाषा है तो सभी भाषा को समान रखा जाना चाहिए। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जैसे भारतीय संविधान में देखा जाता हो समानता का अधिकार दिया हुआ है, मतलब सब इक्वालिटी, लेकिन झारखंड का जो है अलग अलग भाषा है तो उसमें झारखंड का जो खोरठा का सिलेबस है वो बड़ा और छोटा क्यों से हो गया? देखिए सबसे पहले हम इस चीज बुनना चाहते हैं, कैबिनेट में 12 मंत्री बैठते हैं, 12 के सही फॉर्चूनर दिया ना, एक कलर एक रंग के दिया ना, सबको आवास दिया है कि नहीं, तो इसी तरह नौ जनजाति भाषा है ना, वो जनजाति भाषा में समरूप आपको देना पड़ेगा ना। हाँ, उन लोग का डिफरेंस दिया है, इतना मंत्री लोग का है सब फॉर्चूनर जो व्हाइट कलर का, तो फिर नौ जनजाति भाषा है तो उसमें सिलेबस क्यों नहीं चेंज होना, अति सेम रूप होना चाहिए? हम लोग का छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, आप सिलेबस जो है आप समरूप कीजिए, उससे हम लोग मतलब बराबर कीजिए, क्योंकि हम लोग का मतलब कि भेदभाव किया जा रहा है खोटा भाषा के साथ, ये चीज़ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और झारखंड सरकार ये JSSC से मांग करते हैं कि हम लोग
हम लोग का समरूप से विलय होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चाहते। हाँ, बड़ा है तो हम लोग का और अदर भाषा के दीजिए, बराबर बड़ा कीजिए और हम लोग के बराबर करना पड़ेगा। खोटा भाषा के साथ क्यों आप भेदभाव कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा भाषा यदि आपको लगता है कि इतना बड़ा होना चाहिए तो अन्य भाषा को इस लेवल तक करना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सब जो है भाई बहन है, 9-5 जनजाति भाषा है, 4 सदानी भाषा है, उसमें से 9 मिला के कुल टोटल झारखंड सरकार मान्यता दिया है, जो कि करंट अफेयर में पढ़ते हैं। मान्यता 9 भाषा की झारखंड सरकार दिया है, तो 9 भाषा में जब मान्यता दिए हैं तो सेम ना दीजिएगा भैया कि अलग अलग देवी, तो ये चीज़ ना होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो झारखंड बहुत प्रभावित होते हैं, हम देखना दिखाना चाहते हैं। अच्छा, झारखंड के सरकार को अब क्या कहना चाहते हैं कि बार बार परीक्षाओं को लेकर के आंदोलन करना पड़ता है? देखिए झारखंड सरकार क्या करेगी, झारखंड सरकार के नीचे जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है वो गड़बड़ियां करते, झारखंड सरकार को उसमें भी सोचना चाहिए। झारखंड सरकार कितना तंग रहेगा, चारों तरफ से परेशान है झारखंड सरकार, तो झारखंड सरकार तो सोचे रही है, विचारे कर रही है। लेकिन हम यहाँ जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं हजारीबाग में, कहीं ना कहीं हम लोग का प्रभावित सुन के, हम लोग का आवाज़ सुन के हेमंत सरकार हम लोग का कहीं ना कहीं सिलेबस समरूप कर देंगे, क्योंकि वो सब छात्र का दर्द समझते हैं। हेमंत सरकार सब छात्र सब दमनते, वो भी छात्र रह चुके हैं। और कुछ आप कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से सुधार हो या फिर कैसे क्या करना चाहिए? नहीं देखिए अभी तो टाइम है ना, भरने का डेट दिया हुआ है, तो आप उसमें समरूप कर दीजिए। और नहीं तो आप अगर सोचते होंगे किसका छोटा है बड़ा है किसका नहीं है, सब SOT के बैठा के जितने भी टीचर लोग हैं, कोटा का या नागपुर के या कुड़ू का या संस्थाली का या होक का, पूरा जितना भाषा है सबको बैठा के समरूप करके सिलेबस दे दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर दो घोड़ा है आपको, अगर दो घोड़ा है अगर दो घोड़ा में चौक में छोड़ देते हैं तो दोनों के सेम टाइम से सेम समय से ना छोड़िएगा कि अलग अलग टाइम से छोड़िएगा। जब सेम घोड़ा के जब छोड़िएगा तो एक समय टाइम से ही सब चीज़ एक समय से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घोड़ा के 2 मिनट पहले छोड़ दीजिए। ऐसा होता है रणनीति में, ऐसा होता है जो सिलेबस को लेके नौकरी लेके ऐसा होता है, नहीं होता। सब भाषा के समरूप दीजिए, यहाँ का सब समानता का अधिकार है, किसी का भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। सभी को समानता का अधिकार भारतीय संविधान में भी दिया गया है, लेकिन पता नहीं झारखंड के संविधान में ये चीजें क्यों नहीं हो पाता है और सभी भाषा को एक समान क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कहिएगा? सर हम लोग को चाहते हैं जितना क्षेत्रीय भाषा है हम लोग समरूप हो जाते हैं, बस हम लोग छोटा सा ऐसा है कि हम 30% पढ़ते तो अन्य भाषा को हम उन लोग को 100% पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, छोटा को 100% पढ़ना पड़ रहा है, बाकी सबको 30% पढ़ना पड़ रहा है, हम लोग ज्यादा समरूप हो जाए बस। बस खोटा भाषा को हम लोग को समरूप करवाना है, उसी के लिए आंदोलन। ये जो है छात्रों का हुजूम आप देखेंगे तो ये पूरा बढ़ा हुआ है, क्या कह रहे हैं? हम एक ही सेंटेंस में कहना चाहेंगे कि खोटा सिलेबस के तुलना में जो अदर सब्जेक्ट का सिलेबस है वो तालाब है, और जो खोटा सिलेबस जो है वो समुंदर है, और समुंदर का हम लोग एक ही बात कहना है कि खोटा सिलेबस को बराबर कीजिए, सभी भाषा को इक्वल कर दीजिए, बस इतना ही कहना हम लोग, और कुछ नहीं कहना। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये सभी जो छात्र हैं ये आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, और ये सभी का मांग है कि हमारा जो खोटा का सिलेबस है उसे अन्य सब्जेक्ट के अनुसार किया जाए, क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा सिलेबस नहीं चलेगा, इसको छोट करना पड़ेगा, भाषा के कंपेरिजन में बराबर करना पड़ेगा, जो अन्य सभी भाषा है उसको लेकर के समान किया जाए। ये सभी छात्र बस एक चीज मांग कर रहा है कि खोटा का सिलेबस जितना है वो अन्य भाषाओं के समान किया जाए, क्या कह रहे हैं? बहुत लंबा है ये, हजारीबाग में छात्रों का हुजूम है, और ये सभी छात्र आप देखेंगे तो सभी लोग आज सड़क पर इसीलिए उतरे हुए हैं क्योंकि इन लोगों को अपना जो खोटा भाषा है उसको लेकर के मांग कर रहे हैं कि हमारा जो भाषा है उसे अन्य सब्जेक्ट के तुलना में, अन्य जो सिलेबस है उस भाषा के तुलना में बराबर किया जाए, तभी ये सभी छात्र उसके समर्थन में रह पाएंगे। तो सफर नया भारत से नए झारखंड और नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।